स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिज़ाइन। देखिए, हमने बुकरम ली है, इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। अब हम बुकरम को डबल करेंगे बराबर करके। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। यहाँ पे देखिए, हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच। अब हम यहाँ पे गोलाई में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे आधा आधा इंच बुकरम रखेंगे। अब एक चौकुटे कपड़े पे हम ये गले को अच्छे से रख लेंगे। अब इसके बाद हम इसको डबल करके बीच में निशान लगा लेंगे। अब देखिए, ये हमारा पीछे का है। अब देखिए, हमारी जो चेस्ट है वो 36 चेस्ट है और ये हमने यहाँ पे 10 इंच लिया है तो ये 40 इंच है और यहाँ पे शोल्डर लिए हमने वो 6 इंच के लिए। आरूमल भी हमने यहाँ पे 6 इंच लिए। अब हम यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। देखिए, हमने अपने गले की जो चौड़ाई ली थी वो 2.5 इंच की ली थी। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। अब ये बीच के कपड़े को काट लेंगे। अब इसको हम अंदर की साइड दबा के सिलाई लगा लेंगे।
इसको हमने अंदर की साइड दबा के सिलाई लगा ली। अब देखिए हमारा जो बीच का बुकरम कटा हुआ था इसको रखेंगे और इसके बराबर कटिंग कर लेंगे। अब देखिए अब हमने यहाँ पे चौड़ाई ली है 1.5 इंच, ये 1.5 इंच की हमने यहाँ पे चौड़ाई रखी है। अब हम कपड़े को तिरछा करेंगे। अब इसको डबल करके हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे, डोरियां को इस तरीके से सीधा करना है। अब देखिए हम यहाँ पे 2-2 इंच के टुकड़े कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे, 2 इंच की पट्टी काटेंगे। अब देखिए ये पट्टियों को हम इस तरीके से डबल करके
यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखिए ये टुकड़े भी हमने 2-2 इंच के किए हैं। ये देखिए 2 इंच के टुकड़े हैं और ये सारे टुकड़े बराबर होने चाहिए। ये भी 2 इंच के और ये भी हमने 2 इंच के टुकड़े किए हैं। अब इसके बीच में से हमने डोरी को निकाल के और यहाँ पे सिलाई लगानी है।
अब हम यहाँ पे इनको बराबर कर लेंगे। अब हम तिरछी पट्टियां काटेंगे गले के लिए। अब इसको हम उल्टी की साइड से लगाएंगे। और इसको हम आगे के साथ दबा के सिलाई लगा देंगे। अब इसको डबल करके हम बीच में निशान लगा देंगे। अब इसको भी डबल करके बीच में निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेस लगा लेंगे एकदम यहाँ पे किनारे पे। अब इसके बाद ये अखबार है इसको निकाल लेंगे। इसको हम गीला करके भी निकाल सकते हैं, गीला करके भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा।
ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।